बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। खाली पदों को भरने पर हो सकता है इस बैठक में फैसला। तो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में खाली है पद। एक साल पूरा होने पर जश्न की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार मनाएगी जश्न। तो बड़ी जानकारी, सुक्खू कैबिनेट की बैठक। खाली पदों को भरने पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में तमाम खाली पद पड़े हैं और एक साल पूरा होने पर जश्न की तैयारियों पर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा होगी। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुक्खू कैबिनेट की ये अहम बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में खाली पदों को भरने पर फैसला लिया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में तमाम खाली पद पड़े हुए हैं, उसी को भरने को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एक साल के जश्न को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें खाली पदों को भरने पर फैसला लिया जा सकता है। सुक्खू कैबिनेट की ये अहम बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास इस बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल स्वाति जी, यदि बात की जाए जो कैबिनेट की जो बैठक है आज लगभग सचिवालय में 12 बजे शुरू हो जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें जो अहम फैसले लिए जाएंगे, खासकर जो विधानसभा जो 19 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को पेश होने वाले विधायकों को कैबिनेट पास किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें जो कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम, रोजगार, पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े एजेंडे शामिल किए जाएंगे। जो आज की जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में है, 2023-24 की बजट घोषणाओं में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है और हिमाचल पुलिस में महिलाओं को 30% सीटें आरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री आज मोहर लगा सकते हैं। वहीं महिलाओं को 25% सीटें आरक्षित थी और कैबिनेट में आज चयन आयोग को फंक्शन बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जो सरकार ने चीफ एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती की है, लेकिन जो स्टाफ नहीं होने की वजह से आयोग अभी भर्तियां शुरू नहीं कर पाया और साथ ही जो प्रदेश के हजारों बेरोजगार परेशान है, कैबिनेट में इस फंक्शनल करने के लिए कुछ पद सृजित किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है जो खासकर जो स्टोन क्रशर बहाली पर भी जो आज मोहर लग सकती है, क्योंकि जो प्रदेश में स्टोन क्रशर को लेकर जो उपजे विवाद को लेकर भी बैठक में कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसको लेकर भी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि जो ब्यास बेसिक पर स्टोन 132 स्टोन क्रशर बंद करने की वजह से कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर में जो विकास कार्य वो ठप पड़ चुके हैं और निर्माण सामग्री में भारी किल्लत हो रही है। क्योंकि इस बार आपने देखा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के दौरान काफी जो सड़क मार्ग डैमेज हुए हैं, डंगे लगाने का कार्य, तो ऐसे में जो निर्माण सामग्री है वो कम होने के चलते परेशानियों का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। और खासकर जो सरकार ने जो रोजगार 50 लाख रुपए की राशन घाट किया है, इसे देखते हुए भी कैबिनेट में जो वैलिड लीज स्टोन क्रशर को बहाल करने को हरी झंडी मिल सकती है और कैबिनेट में डेट फाइनल होते ही सभी विभागों को एजेंडा तैयार करने को कहा गया है और अगले 2-3 दिन में फाइनल करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, अब एक वर्ष पूरा होने वाला है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एक साल के जश्न को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार जो 11 दिसंबर को एक साल पूरा करने पर कांगड़ा में कार्यक्रम करी, जो कि भव्य कार्यक्रम होगा और साथ ही जो 19 दिसंबर से वहां पर शीतकालीन सत्र भी आरंभ हो जाएगा, जिसको लेकर काफी तैयारी हो सकती है। और इस कार्यक्रम को लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को आमंत्रित दिया जा सकता है। ये जो महत्वपूर्ण जो निर्णय है आज कैबिनेट की बैठक में होंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां कामेश्वर आपने दी। और देखिए, ये तमाम जानकारियां मेरे सहयोगी कामेश्वर बता रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि कामेश्वर, इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जिनका आपने जिक्र किया, जिस पर मंथन होगा और उसके बाद इस पर मुहर लग सकती है। तो रोजगार को लेकर राहत भरी खबर इस कैबिनेट मीटिंग के बाद आ सकती है, ये कयास लगा लिया जाए?
जी बिल्कुल, अगर बात करें जो 10 गारंटी थी, उन 10 गारंटियों में से एक गारंटी ये भी थी कि कांग्रेस सरकार प्रति वर्ष 1 लाख नौकरी देंगे और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देगी। लेकिन अमूमन यह देखा गया जिस तरीके से विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य भाजपा नेता लगातार भाजपा को कांग्रेस को घेरते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एजेंसी में 31 सुरक्षाकर्मी को निकाला गया, साथ ही जो 108 कर्मचारी जो जिन्होंने कोरोना काल के समय में अत्यधिक भूमिका निभाई उनको निकाला गया, तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकार है उन्हें लगातार यह भ्रमित लग रहा है कि जिस तरीके से जो विपक्ष उन्हें घेर रहा है, तो अब कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो जो अन्य जो विभागों में जो पद रिक्त पड़े उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा, ताकि जो विपक्ष है लगातार जो उनके ऊपर हमलावर है उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल। और कामेश्वर देखिए, आपने जिक्र किया कि सुक्खू सरकार के देखिए 1 साल पूरे होने वाले हैं, 11 दिसंबर को जश्न की तैयारी है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस जश्न में, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? हालांकि कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को जो 1 साल पूरा करने के लिए कार्यक्रम जो रखा है कांगड़ा में, क्योंकि धर्मशाला में अगर बात की जाए जिस तरीके से जो 15 में से 10 सीटें जो वहां पर कांग्रेस ने जीती है, और इसके अलावा अगर देखा जाए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो भी माहौल है गर्मजोशी का, और अक्सर देखा जाता है कि जो विधानसभा सत्र है चाहे बजट सत्र होता है और मानसून सत्र, तो वो राजधानी शिमला में होता है, वहीं जो शीतकालीन सत्र है वो धर्मशाला में होता है। तो ऐसे में जो दिसंबर का माह होता है इस दौरान जो सरकार 1 वर्ष पूरा करने जा रही है इसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर भव्य आयोजन किया जाएगा, और खासकर इसमें मोहर लग सकती है। और जो चर्चा भी है सचिवालय में प्रत्येक क्षेत्र में, अब ये चर्चा भी है कि जो सरकार है कांगड़ा में इसका आयोजन करेगी, और खासकर जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को भी आमंत्रित पत्र आज जारी कर देंगे, क्योंकि आज इस पर मोहर लग जाएगी। और इसको लेकर जो कांग्रेस सरकार है काफी जश्न है, उत्साहित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने अभी तक जिस तरीके से जो हमारी पहली गारंटी थी ओपीएस उसको हमने बहाल किया, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें पहले 1770 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें ओपीएस के तहत 37,770 रुपए मिले। तो सबसे बड़ा जो एजेंडा है कांग्रेस सरकार का वो यही है, और खासकर जो सबसे बड़े बड़े बैनर भी अब बनना शुरू हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बैनर में लिखा है कि जो हमने वादे किए वो पूरे किए, और चरमबद्ध तरीके से अन्य वादों को भी पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से महिलाओं को 2,33,000, महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं जो सबसे बड़ी जो मांग थी वो है ओपीएस, तो उसको लेकर अब प्रदेश में भी जगह जगह बैनर लगना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया कामेश्वर, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।